साक्षी कैसे हो? हाँ तो दीदी, आपने क्या बोला था? जीजू को ठिकाने लगाना है। लो, लगा दिया आपके पति को ठिकाने। अब वादे के मुताबिक आप मुझे 10 लाख रुपए दोगे, तो दो मेरे 10 लाख रुपए। गुड, तूने बिल्कुल सही करा, अपने जीजू को ठिकाने लगा दिया, जैसा कि मैंने तुझसे कहा था। और हाँ, रही बात वो तेरे पैसों की, तो उसकी टेंशन मत ले, वो पैसे मैं तुझे दे दूंगी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही है? जल्दी से जा और इस लाश को ठिकाने लगा दे, उसके बाद मैं तेरे पैसे तुझे दे दूंगी। जा, डोंट वरी। अरे दीदी, ये क्या बोल रहे हो आप? आपने तो मुझसे काम करने के लिए बोला था, मैंने तो कर दिया आपका काम, अब आप मुझे मेरे पैसे दे दो। और ये कोई बात नहीं हुई थी कि लाश को ठिकाने लगाना है, मैं नहीं लगाऊंगी लाश को ठिकाने, आप मुझे मेरे पैसे दे दो। अरे यार वर्षा, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे पैसे खा लूंगी या कहीं लेकर भाग जाऊंगी? नहीं, मैं तेरी पाई पाई चुका दूंगी, लेकिन मैं तुझे ये लाश ठिकाने लगाने को इसलिए कह रही हूँ ताकि अगर कोई आ गया तो हम दोनों ना फंस जाए। अब तू जाएगी। देखो दीदी, आप ना गलत कर रहे हो मेरे साथ। आपने कहा था जैसे मैं जीजू को जान से मार दूंगी आप मेरे पैसे दे दोगे। अब कहाँ है मेरे पैसे? आप ना मेरे पैसे दे दो और जीजू के लाश को मैं नदी में फेंकू या कूड़े में, उससे आपको ना कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसलिए आप पहले मेरे पैसे दे दो। तू ना वर्षा, सच में बहुत ज्यादा जिद्दी है और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तू बिना पैसे लिए ये काम नहीं करेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तू नहीं कर सकती ना ये काम, तो मैं तुझे पैसे देती हूँ। वेट, ये रे पूरे के पूरे 10 लाख रुपए। अब फटाफट ये काम कर दियो। अब मिल गए ना पैसे, जल्दी से लाश उठाओ और इसे ठिकाने लगा। ठीक है दीदी, जैसा आप बोलोगे ना वैसा ही होगा। जिस तरीके से आप बोलोगे कि जीजू की लाश को कहाँ ठिकाने लगाना है, उसी तरीके से मैं ठिकाने लगाऊंगी। वैसे दीदी, आपसे मुझे एक बात पूछनी थी, अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, जल्दी पूछ, क्या पूछना है तुझे? दीदी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपने ये सब करवाया क्यों? क्योंकि जहां तक मुझे पता है जीजा जी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आपने ये सब क्यों करवाया और अब आप मेरे को लाश ठिकाने लगाने को बोल रहे हो, क्यों? और मुझे ये तो समझ आ रहा है कि इसमें मेरा फायदा है, मुझे तो पैसे मिल गए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपने ये सब क्यों करवाया, इसमें आपका क्या फायदा है? अरे यार बहन, तू क्यों मेरी पर्सनल लाइफ में घुस रही है? तुझे मेरी पर्सनल लाइफ से क्या मतलब है? हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ में मैं चाहे कुछ भी करूँ, इट्स माई चॉइस। तू कौन होती है बीच में इंटरफेयर करने वाली? और वैसे भी तूने ये सारा काम पैसों के लिए करा है ना। ठीक है, मिल गए तुझे पैसे, तू अपना काम करना, उठा लाश और ठिकाने लगा, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत कर। दीदी, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, अगर मैंने किसी को बताया तो फंसूंगी तो मैं ही, क्योंकि जीजा जी को तो मैंने ही मारा है, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपने ये सब क्यों किया? बात तो बिल्कुल सही कह रही है, तू भला अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही क्यों मारेगी? हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, भला मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगी? और अगर मैंने किसी को बताया तो आपके साथ तो मैं भी जेल जाऊंगी, इसमें तो मेरा ही नुकसान है ना, तो आप मुझ पे ट्रस्ट करके बता सकते हो। बताओ ना, आपने जीजा जी को क्यों मरवाया? चल, तू मुझसे इतनी जिद कर रही है तो मैं तुझे बता ही देती हूँ। वो क्या है ना, मेरी लाइफ में एक लड़का है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तेरे जीजू वो हम दोनों के प्यार के बीच में आ रहे थे, हमारे प्यार का कांटा बन रहे थे। इनको पता लग गया था मेरे अफेयर के बारे में, फिर क्या, मैंने सोचा कि क्यों ना कांटे को रास्ते से हटा दिया जाए, तो फिर बस मैंने तुझे बोल दिया कि मैं तुझे पूरे 10 लाख रुपए दूंगी और तुझे एक छोटा सा काम करना है, अपने जीजू को जान से मारना है, और तू राजी हो गई। बस फिर किस्सा खत्म, बात खत्म, छोड़ना। और वैसे भी तेरे जीजू के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, अब इतनी सारी प्रॉपर्टी का वो क्या करते, इसीलिए मैंने उनको टपका डाला। अब क्या करूंगी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, उसके बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ना ऐश करूंगी, ऐश। ओह अच्छा, ये बात है। वैसे दीदी, आपसे एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, जीजा जी तो आपसे बहुत प्यार करते थे, कि आपसे वो इतना ज्यादा प्यार करते थे, उन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, फिर भी आपने उनके साथ ऐसा किया, मतलब आप ये चाहते हो कि जीजा जी के जाने के बाद आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके इस प्रॉपर्टी पे राज करोगे और आशिकी लड़ाओगे, अच्छा नहीं किया आपने। बात तो तू ना बिल्कुल सही कह रही है, तेरे जीजू मुझसे बहुत प्यार करते थे और इसी बात की किल्सन थी मुझे, नहीं चाहिए था मुझे इस आदमी का प्यार, इसीलिए मरवा दिया मैंने इसे, और अच्छा करा। और यार तू यहाँ पर क्या कर रही है खड़े खड़े? हाँ, चुपचाप से ना लाश को ठिकाने लगा जिस चीज के पैसे दिए मैंने तुझे, टाइम वेस्ट कर रही है अपना भी।
दीदी मैं अपना काम ही तो कर रही हूँ। जीजू वैसे आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। हाँ वर्षा, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया कि कैसे मेरे पीठ पीछे गुल खिला रही थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मुझे धोखा दे रही थी। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं एक बात बताओ दीदी, आपने क्या सोचा था कि आपके कहने पे मैं जीजा जी को जान से मार दूंगी? वैसे दीदी आपसे मैं एक बात कहूं, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आपके कहने पर मैं जीजा जी को जान से मार दूंगी? माना कि आप मेरी सगी बहन हो, इसका मतलब ये ही नहीं है कि आप जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी, चाहे वो काम गलत क्यों ना हो। ये पास में खड़े इंसान मेरे जीजू ही नहीं बल्कि मेरे भाई हैं। इन्होंने हमेशा मुझे अपनी बहन की तरह माना है और भाई होने का हमेशा फर्ज निभाया है। तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि जीजा जी कितने अच्छे इंसान हैं और आप कितनी बुरी हो। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि गलत कामों में मैं आपका साथ दूंगी। साक्षी, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सारी हरकतें करते हुए? तुमने एक बार भी हमारे रिश्ते के बारे में नहीं सोचा? ये नहीं सोचा कि जब सारी बातें मुझे पता चलेगी तो मुझे कितना दुख होगा? मुझे ना बहुत दुख हो रहा है और मुझे अफसोस भी हो रहा है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए भी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी काम कर सकती हो। अरे कम से कम ये सब करने से पहले एक बार सोच तो लेते। मैं तुमसे प्यार करता था, शायद प्यार नहीं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तुम्हारे लिए हर चीज़ ला के देता था, तुम एक बार कहते थे, उसके बावजूद भी तुमने मेरे प्यार का मुझे ये सिला दिया। और वो तो अच्छा हुआ वर्षा ने मुझे सब कुछ बता दिया। वैसे वर्षा ने मुझे पहले ही बताने की कोशिश करी है कि जीजू दीदी ने आपको मारने की प्लानिंग कर रही है और उनका बॉयफ्रेंड है, पर मैंने कभी इसकी बातों को सीरियसली नहीं लगा। मुझे लगा कि ये जीजा साली का जो मजाक होता है वो मजाक कर रही है। फिर इसने माँ की कसम खाई, फिर मैंने सोचा कोई माँ की कसम झूठी तो खाएगा नहीं। उसके बाद जाकर मैंने इसी बात पर विश्वास किया और देखो सारी सच्चाई मेरे सामने है कि तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रही थी, वो भी किसके लिए? अपने बॉयफ्रेंड के लिए, इस प्रॉपर्टी के लिए। अरे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देखो अब मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। नितिन तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हो रही है। देखो कसम से मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें मारने के बारे में कभी नहीं सोच सकती। वो तो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे बोला था, बस इसलिए मैंने ये सब करा। मैं बहक गई थी नितिन, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कर दूँ? जो तुमने काम किए वो माफ़ी वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अब तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई तो तुम ड्रामे कर रहे हो कि ये सब कुछ तुमने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे किया और ये सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो सब कुछ ना मैंने अपनी आंखों से देख लिया और सुन भी लिया कि कैसे तुमने मेरे को मारने की प्लानिंग बनाई और मेरे को मारने के लिए इसको पैसे भी दिए। अब ना तुम्हारे साथ में वो होगा जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश करी। एक काम करो वर्षा, पुलिस को फ़ोन करो और इसको अभी के अभी हम जेल में डलवाते हैं। नहीं नहीं नितिन तुम ऐसा मत करो, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाओ। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, हम मिलकर सॉल्व करते हैं ना सब कुछ, प्लीज़ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठ के सॉल्व करते हैं? जो तुमने काम करे हैं वो बैठ के सॉल्व करने वाले हैं? नहीं, तुमने ना मेरी जान लेने की कोशिश करी है। तुमने क्राइम करा है और क्राइम की हमेशा सजा मिलती है। तुम्हें मैं ऐसे माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हें ना मैं जेल में पहुँचा के रहूँगा। अभी थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है और तुम्हें यहाँ से लेके चली जाएगी। अब एक काम करो, मेरी नज़रों के आगे से निकलो, यहाँ से घर के बाहर खड़े हो, निकलो यहाँ से। नितिन लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या बोला? अभी के अभी मेरे नजरों के आगे से निकलो, निकलो। नितिन एटलीस्ट प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे मैंने बोल दिया निकलो तो निकलो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं। और एक चीज और बताएं, अगर आप मेरी जगह होते तो आप यहाँ पे क्या करते और जो मैंने कदम उठाया वो सही था या फिर गलत था? बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी कर देना और लाइक और सब्सक्राइब भी करना।